हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की एक लेटेस्ट भर्ती की अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे के अंतर्गत यहां पर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लगभग 1500 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। इस वीडियो को एंड तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भारतीय रेलवे के अंतर्गत मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। यहां पर इस कैटेगरी में स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, हेड कुक, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, टीजीटी कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर और पीजीटी टीचर के लगभग 1500 खाली पदों को भरा जाएगा। आप सेप्टेम्बर 2024 से अक्टूबर 2024 तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपको 19,900 से 47,600 पोस्ट वाइज प्रोवाइड करा दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा धारक कैंडिडेट जिन्होंने रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत या अपनी ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा पास आउट कर रखे हैं, वो यहां पर पोस्ट वाइज इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आयु सीमा भी आपकी पोस्ट वाइज 18 से 20, 25, 33, 40 और 45 साल रखी गई है। फीस यहां पर अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट को ₹500 जमा करानी होगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट को ₹250 जमा करानी होगी, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू जमा करा सकते हो। सिलेक्शन की अगर बात करें तो सिलेक्शन यहां पर आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन करके उसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने रेलवे का पोर्टल खुलेगा, जहां पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करते हुए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। फिर आपको अपने कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। फाइनली फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको अपना फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंटआउट भी ले लेना होगा फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।